यहाँ तक पहुँच रही है। आप तमाम लोगों को, मुंबई के सभी नागरिकों को, सभी निवासियों को, माताओं बहनों को, आदरणीय बुजुर्गों को, नौजवान दोस्तों को और प्यारे बच्चों को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने जो आज का विषय है एनपीआर, एनआरसी और सीएए पर अपनी मुख्तलिफ बात रखी है, मैं कुछ चीजें आपसे साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, मैं आप तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के बात रख रहा हूँ, लेकिन जितना डिसिप्लिन क्राउड यहाँ है मुझे कहीं नहीं मिला है। इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात ये कि जब मैं यहाँ आया तो नीचे एक दादी ने बुलाया, दुआ दी और मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ गाना गुजराती में लिख करके दिया। मुझे गुजराती नहीं आती है, मराठी भी नहीं आती है, माला मराठी एक नहीं, लेकिन वो जो गाना है उसकी जो भावना है वो भावना मैं समझ पा रहा था। फिर मेरे बगल में मैंने साथी से मदद ली, उन्होंने कहा कि हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गाना उस कागज में लिखा हुआ है। फिर मैं अचानक से ये सोचने लगा कि ये इतना पुराना गाना है, इसकी जरूरत हमको आज क्यों पड़ रही है। आप देखिए, जो पुरानी नज़्में हैं, जो पुराने गजल हैं, जो पुराने गीत हैं, जिसमें कौमी एकता की बात है, कौमी यकजहती की बात है, वो गाने मशहूर हो रहे हैं। मैं सोचता हूं कि क्या हमारे देश के जो महान लोग थे, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सावित्री बाई फूले, फातिमा सी शेख, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने जो कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी से जो हमको आजादी मिली थी, क्या हमारे देश के महापुरुषों को इस बात का अंदाजा था कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस आजाद शब्द को और आजादी शब्द को बदनाम करने की कोशिश की जाए। मुझे लगता है कि शायद उनको इस बात का अंदाजा था, इसीलिए आप देखिए कि चंद्रशेखर आजाद के नाम में भी आजाद है और मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम में भी आजाद है। ये आजाद देश है, आजाद देश में आजादी की बात करना कोई गुनाह नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। लेकिन किसको दिक्कत होती है, आजादी का शब्द सुन के किनको परेशानी होती है, जिनको गुलामी पसंद है। आजादी से उन्हीं को दिक्कत होगी जिनको गुलामी पसंद है, जिनको चापलूसी पसंद है। ये वही लोग हैं कि जब अंग्रेजों से लड़ने की बारी आई थी तो अंग्रेज से माफी मांग रहे थे। जिस तरीके से मोदी जी रामलीला मैदान में आकर के बोले एनआरसी झूठ है, झूठ है, झूठ है, तो मैं मोदी जी में लगा कि अचानक से सावरकर की आत्मा आ गई है, बस अब माफी मांगने ही वाले हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि मैं खास करके मर्द जमात को कहना चाहता हूं। हमारे भी एक साथी आए, उन्होंने कहा कि हमने अपनी माओं को आंदोलन में लाया है। माफ कीजिएगा जनाब, आपने नहीं लाया है, उन्होंने आपको इस दुनिया में लाया है। और वो उनको कोई लाया नहीं है, वो खुद आई है। और कैसे आई है उसका उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो जो आंदोलन में महिलाएं आ रही हैं उनकी शक्ल तो देख ही लीजिए,
क्या आपने आज से पहले इस देश के किसी आंदोलन में मंच पर इतनी तादाद में महिलाएं देखी थी? कुर्ता पैजामा पहन करके हैं, और क्या नाम है उनका, लाला रामदेव, भाषण दे रहे थे किसी और वस्त्र में, अब भाग गए किसी और वस्त्र में। मतलब भाषण देने के लिए महिला नहीं चाहिए, इनको मुंह छुपाने के लिए, ताली बजवाने के लिए महिला चाहिए। तो मैं सरकार को एक बात बता देना चाहता हूं, साहेब वक्त बहुत तेजी से बदल गया है। आप अगर परीक्षा पे चर्चा की मार्केटिंग के अलावे इस देश की शिक्षा में जो बदलाव हुआ है उसका अगर ध्यान रखे होते तो आपको पता होना चाहिए कि हर दसवीं और बारहवीं की रिजल्ट में महिलाएं लड़कियां पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं। और जब लड़की पढ़ लिख लेगी तो वो जो है नीचा की तरह आकर के भाषण नहीं देगी। और आपको क्या लगता है कि एक बार महिलाएं CAA, NRC और NPR का तख्ती लेकर के बैठ गई हैं तो आगे महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नहीं लड़ेंगी? आप भूल में हैं, आपको बहुत बड़ा भ्रम हुआ है। आपको यह भ्रम इसलिए हुआ है कि स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के प्रोटेस्ट करती थी, तो इनको लगा कि महिलाएं सिर्फ स्मृति ईरानी ही होती हैं। महिलाएं सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं होती हैं, महिलाएं सावित्री बाई फूले और फातिमा शेख भी होती हैं, याद रखिए। और आज अगर फातिमा शेख होती तो क्या वो अपने शहर में शाहीन बाग की तरह विरोध कर रही होती कि नहीं कर रही होती? और जब फातिमा शेख विरोध कर रही होती तो क्या उसके बगल में सावित्री बाई फूले बैठती कि नहीं बैठती? ये बात इनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ये इस देश को समझने में थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि घर चलाने की असली जिम्मेवारी महिलाओं पे होती है, और अगर वो उस जिम्मेवारी को छोड़ करके दूसरे जिम्मेवारियों को अपनाना शुरू करती हैं तो वो रजिया सुल्तान भी बनती हैं और रानी लक्ष्मीबाई भी बन जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बच्चे लेकर के औरतें प्रोटेस्ट के लिए आ रही हैं। हिंदी में एक कहावत है, जाके पैर न फंसे बिवाली, वो क्या जाने पीर पढ़ाई। अपनी छाती में बच्चे को लगा करके एक हाथ से बच्चा पकड़े हुए और दूसरे हाथ से तिरंगा उठाए हुए महिलाएं इस देश की क्रांति की प्रतीक है, इस बात को याद रखिएगा। और ये जो दौर है, इस दौर को अगर कोई हरा सकती है, पुरुष लोग बुरा मत मानिएगा, मोदी तो आज आया है ना देश में, आप लोग तो उनके लिए घर में तब से मोदी बन करके बैठे हुए हैं, है कि नहीं? सच सच बोलिएगा। तो हम मोदी जी से एक बात कह देते हैं थोड़ा हल्के फुलके अंदाज में, मोदी जी ने 3 तलाक बिल खत्म करते हुए कहा कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, झेल लीजिए फिर, झेल लीजिए ना, महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया है, अब आपसे महिलाएं ही लड़ेंगी। और कान खोल करके सुन लीजिए कि सिर्फ NPR, NRC और CA के खिलाफ नहीं, प्याज जो 200 रुपए किलो उनको खरीदना पड़ रहा है उसके लिए भी लड़ेंगे। वो जो बच्चा रोते हुए आता है और माँ को कहता है कि मम्मी पनीर खाएंगे, तो मम्मी जब उसको आलू से समझाती है, उसको फुसलाती है, तो उसको पता चलता है कि महंगाई का दर्द क्या होता है। उसको पता होता है कि अपना भी साड़ी खरीदने का मन है, बच्चा का पीटी वाला जूता फट गया है,
तो बच्चा का पीटी वाला जूता खरीद करके देंगे ना कि अपना साड़ी खरीद लेंगे? माँ को ममता पसंद है, कट्टरता पसंद नहीं है मुझे। माँ को प्रेम पसंद है, नफरत पसंद नहीं है मोदी जी। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, इस सरकार को बता देता हूं कि है हिम्मत तो अपनी मां के आंख में आंख मिला करके उससे पूछो कि मैं लोगों का कत्ल करवाना चाहता हूं, देखना वो तुमको क्या करती है। जो हाथ में आएगा जूता या चप्पल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नफरतवादी इस दौर में अगर नफरत को कोई हरा सकता है तो वो है मोहब्बत, मोहब्बत सिवाय मोहब्बत। इसीलिए ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन किसी को मंत्री बनाने का आंदोलन नहीं है। प्लीज, मैं मंच के दोस्तों से आग्रह करना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेहनत करना पड़ नहीं रहा है। बताइए ना, पति कह दें कि चलो आज हमारे पार्टी के बड़े नेता आ रहे हैं उनका भाषण सुनने के लिए, तो वो पैसे ही पति पे खिंची रहती है, दिन भर कुर्ता पैजामा पहन करके पान खा करके नेतागिरी छांटते रहते हैं, वो नहीं आना चाहती है मीटिंग। अभी क्या हुआ है कि पति पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, तो देखो ना अभी कुकर में दाल लगा दिए हैं, दो सीटी मारेगा बंद कर देंगे, जरा हम प्रोटेस्ट से होके आते हैं। तो ये जो भीड़ है, ये भीड़ नहीं है, ये आपको मुंडी नहीं लगना चाहिए, ये नंबर नहीं है, ये जगे हुए इंसान है जिनकी इंसानियत तो जमे जाते हैं।